इसी जानब गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा हाईजैक करने की मुबैना धमकी पर तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। एएसएफ एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में भी ले लिया है। कुछ मजीद बताएंगे इस हवाले से एआरवाई न्यूज के नुमाइंदे सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, हमें बताइएगा, जो गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा हाईजैक करने की मुबैना धमकी दी गई थी। जी हाँ, देखें, ये सऊदी एयरलाइन की परवाज थी SV700 और SV701 होके इसने जद्दा जाना था और ये परवाज जद्दा से आई थी। इसमें मुबैना शख्स था, मुश्तबा शख्स फवाद। इसने फजाई मेजबान से बदतमीजी की, तल्ख कलामी हुई थी और उसको ये धमकी दी कि मेरे पास बॉम है और मैं तैयारे को हाईजैक कर लूंगा। और मुबैना हाईजैकिंग की उसने ये वारदात करने की कोशिश की, जिस पर अमले ने फौरी तौर पर कप्तान को आगाह किया। कप्तान ने कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को आगाह करते हुए एएसएफ को आगाह किया। एएसएफ के स्काई मार्शल, एएसएफ कमांडो की भारी नफरी यहां पर पहुंच गई और तैयारे को अपने हिसार में ले लिया गया और दो मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। एक का नाम फवाद मालूम हुआ है लेकिन अभी दूसरे का नाम नहीं अब बताया है एएसएफ ने। उनका ये कहना है कि अभी दोनों मुश्तबा अफराद की सर्चिंग हो रही है, चेकिंग उनके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक नहीं मालूम फराहम की जा सकती। तो हम जराए का ये कहना है कि इससे पहले भी गैर मुल्की एयरलाइन को थ्रेट थी, पहले भी चुके इस किस्म के वाकयात बैन अलाकौमी कवानीन के तहत जब भी इस किस्म की चीजें होती हैं तो इसे हाई जैकिंग के जुमरे में शुमार किया जाता है। सलाहुद्दीन, तमाम तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे कुछ